We can come back, though the time is gone. I'm round, round, round into scary rainbows. Don't lie, cause I know your heart. I'm try, try looking for someone to forget. दोस्तों ये है नो सेटअप वार का एपिसोड नंबर 4, जिसमें आज आपको मिलने वाला है काफी सिंपल और मिनिमल में स्पाइडरमैन का सेटअप, जो कि कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस तरीके के सेटअप को अपने किसी भी फोन में सेट करना चाहते हो तो उसका प्रोसेस क्या है, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हो ट्रिकी बॉय सीट चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हर बार की तरह सेटअप के लिए आपको कुछ फाइल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसमें आपको दो फाइल्स मिल जाएंगे, फ्री और पेड। तो फ्री फाइल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, जिसका पासवर्ड इसी वीडियो के एंड में मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना। और कुछ पेड एप्लीकेशन की भी आपको जरूरत पड़ेगी, तो पेड एप्लीकेशन में आपको जरूरत पड़ेगी KWGT प्रो एप्लीकेशन की और लाइम लाइन लाइनेक्स आइकन पैक की, जो एक पेड आइकन पैक है। ये बस दो आपको पेड एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप ये दो पेड एप्लीकेशन प्ले स्टोर से परचेस कर सकते हो तो जरूर परचेस करना, ताकि डेवलपर की हेल्प हो पाए। अगर आप नहीं परचेस कर सकते, आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो, तब आप मेरे इंस्टाग्राम पर DM करना, मैं वहां पे इन पेड फाइल का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आप ट्राई करना कि एटलीस्ट इसमें से आप एक एप्लीकेशन तो परचेस कर ही सको। तो आपको क्या करना है, जब आपके पास फ्री और पेड दोनों फाइल आ जाए तो इनके अंदर जितने एप्लीकेशन है उनको इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद से अपने होम स्क्रीन पे आ जाना है, और होम स्क्रीन पे जो आप वॉलपेपर को यूज कर रहे हो तो उसको यहाँ पे चेंज कर लेना है सेटअप वाले वॉलपेपर के साथ। तो यहाँ पे वॉलपेपर में मैं आपको बता दूं कि जब आप वॉलपेपर को सेट करना, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको वॉलपेपर देखने को मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जब आप सेट एज वॉलपेपर करोगे तो आपको थोड़ा जूम करना पड़ेगा वॉलपेपर को, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये वाला नहीं रहना चाहिए होम स्क्रीन पे। तो हम थोड़ा यहाँ पे जूम करेंगे, और बस यहाँ पे होम स्क्रीन पे आपको स्पाइडरमैन को ही रखना है। तो यहाँ पे हम हल्का सा और जूम करके, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो बस स्पाइडरमैन वाला जो पार्ट है उसको यहाँ पे हम अप्लाई करके होम स्क्रीन पे सेट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके का आपको वॉलपेपर को अपने होम स्क्रीन पे सेट कर लेना है। वॉलपेपर को सेट करने के बाद से आपको KWGT प्रो वाले एप्लीकेशन को ओपन करना है। मैं इसलिए ओपन करवा रहा हूँ कि जैसे आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपके डायरेक्टरी में एक कस्टम नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, जिसका यूज अभी देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम KWGT को ओपन कर लेते हैं। आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपको कुछ परमिशन के लिए आएगा, आप ग्रांटेड कर देना। अब KWGT प्रो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद से यहाँ पे हम ओपन करेंगे नोवा लॉन्चर को। तो यहाँ पे हमने ओपन किया नोवा लॉन्चर को। यहाँ पे नोवा लॉन्चर का फर्स्ट टाइम इंटरफेस कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते हैं, यहाँ पे नोवा लॉन्चर हर बार की तरफ फिर हट जाएगा। फिर यहाँ पे हम नोवा लॉन्चर पर टैप करेंगे, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का नोवा लॉन्चर का होम स्क्रीन अभी आपको देखने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नोवा लॉन्चर को एज अ डिफॉल्ट लॉन्चर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सेटिंग पर टैप करेंगे, यहाँ पे नॉट सेट एज डिफॉल्ट होगा, इस पर टैप करके यहाँ पे हम नोवा लॉन्चर को एज अ डिफॉल्ट लॉन्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। नोवा लॉन्चर को डिफॉल्ट लॉन्चर सेलेक्ट करने के बाद से अब आपको क्या करना है, आपको होम स्क्रीन पर टैप किए रहना है, सेटिंग पर टैप करना है, और यहाँ पे आपको आ जाना है बैकअप एंड इम्पोर्ट सेटिंग। इस पर आपको टैप करना है रिस्टोर और मैनेज बैकअप वाले पे। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट स्टोरेज पे ब्राउज पे टैप करना है। अब आपको वहाँ पे आ जाना है जहाँ पे आपने फ्री वाले जिप फाइल एक्सट्रैक्ट करके रखी हुई है, क्योंकि उसी के अंदर आपको एक नोवा का बैकअप मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्री वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पे मिनिमल स्पाइडरमैन बाय सीट डॉट नोवा बैकअप, यानी नोवा का एक बैकअप यहाँ पे आपको मिल जाता है। आपको बस इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट जैसे आप करोगे तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे परमिशन के लिए आएगा अलाउ कर देना, फिर आएगा ओवरराइट करंट लेआउट, आप ओके कर देना। जैसे आप ओके करोगे तो हर बार की तरह नोवा लॉन्चर एक बार फिर हटेगा, और यहाँ पे हम फिर नोवा लॉन्चर पे टैप करेंगे, और यहाँ पे इस बार कुछ टाइम लेगा, और टाइम लेने के बाद से कुछ इस तरीके का आपका जो होम स्क्रीन है कुछ देखने को मिल जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो आपके होम स्क्रीन पे यहाँ पे आपको 5 क्लिक टू सेटअप या लॉन्ग प्रेस टू रिसाइज लिखा देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ऊपर 4 और नीचे यहाँ पे 1। तो अब आपको यहाँ पे अपने विजिट को सेलेक्ट करना है। तो विजिट को सेलेक्ट करने से पहले आपको अपने डिफॉल्ट फाइल मैनेजर में आ जाना है। तो अब आपको याद होगा कि अभी मैंने स्टार्टिंग में KWGT प्रो वाले एप्लीकेशन को ओपन करवाया था, तो उसका यूज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको फ्री वाले फोल्डर को ओपन करना है। इसमें आपको KWGT के यहाँ पे 5 बैकअप देखने को मिल जाएंगे, जो विजिट वाले बैकअप हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ पे म्यूजिक वाला। तो इन 5 को आपको सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस फोल्डर से कट करके आपको कस्टम वाले फोल्डर में आ जाना है, जो जैसे मैंने कहा था कि जैसे आप इसको ओपन करोगे तो कस्टम नाम का फोल्डर क्रिएट होगा। इस फोल्डर के अंदर आ जाना है, और यहाँ पे विजिट, इस एक विजिट नाम का फोल्डर मिल जाएगा, इसके अंदर आपको इन सारे विजिट को पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपने 5 विजिट को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आपको अपने होम स्क्रीन पे आ जाना है, और होम स्क्रीन पे आने के बाद से यहाँ पे हम एक बार KWGT प्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद से यहाँ पे आपको आ जाना है होम स्क्रीन पे। अब फिर इस पे हम यहाँ पे फर्स्ट वाले विजिट पे, जो यहाँ पे क्लिक टू सेटअप या लॉन्ग प्रेस टू रिसाइज लिखा हुआ है, इस पे हम टैप करेंगे। जैसे आप टैप करोगे तो यहाँ पे आप इंस्टॉल्ड में आओगे, लेकिन उसके बाद आपको एक्सपोर्टेड में आ जाना है, और यहाँ पे सेलेक्ट करना है फर्स्ट KWGT बाय सीट, इसको आप सेलेक्ट करना, और यहाँ पे जो साइज है आपको
कम या ज़्यादा नहीं करना है। जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि मैं साइज डिफ़ॉल्ट ही करके देता हूँ, तो आपको बस सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव कर लेना है। तो जैसे आप सेव करोगे तो आपका जो पहला विजिट है यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब बारी आती है दूसरे विजिट की, तो यहाँ पे हम दूसरे वाले पे टैप करेंगे। दूसरे वाले पे टैप करने के बाद यहाँ पे सेकेंड KWGT बाय सीट वाले को सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव कर देंगे। तो जैसे आप सेव करोगे तो यहाँ पे आपका जो दूसरा विजिट था वो भी यहाँ पे ऐड हो गया। अब बारी आती है तीसरे विजिट की, तो यहाँ पे हम टैप करते हैं तीसरे वाले विजिट पे, और टैप करने के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं थर्ड KWGT बाय सीट और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। जैसे आप सेव करोगे तो यहाँ पे आपका तीसरा जो विजिट था वो भी ऐड हो गया है। अब आती है बारी चौथे नंबर के विजिट की, तो इस पर भी हम टैप करेंगे, और टैप करने के बाद यहाँ पे जो फोर्थ KWGT है, लेकिन फोर्थ वाले में आपको यहाँ पे मेरा नेम देखने को मिल जा रहा होगा, जिस पे आपको अपना नाम लिखने के लिए बस नीचे टेक्स्ट पे टैप करना है, फिर यहाँ पे टेक्स्ट पे टैप करना है और यहाँ पे जो भी आपका नाम होगा लिख के, और उसके बाद यहाँ पे सेव करके यहाँ पे सेव कर देना है। तो जैसे आप सेव करोगे तो आपका जो चौथा विजिट था वो भी यहाँ पे ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो जो ऊपर वाला पोर्शन था वो यहाँ पे, जो ऊपर वाला विजिट का पोर्शन था वो यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है म्यूजिक वाले विजिट की, तो यहाँ पे हम इस पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे म्यूजिक KWGT बाय सीड और इसको यहाँ पे हम सेव कर देंगे। तो जैसे आप सेव करोगे तो यहाँ पे आपका म्यूजिक वाला जो बार वाला विजिट था वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो गया है। तो कुछ इस तरीके का आपका फाइनल होम स्क्रीन सेटअप देखने को मिल जाता है सारे विजिट को ऐड करने के बाद से। यहाँ पे अगर ऊपर वाले विजिट की बात करें तो यहाँ पे जो पहला विजिट है उसमें आपको डेट, टाइम और सेकंड वाले में डे देखने को मिल जाएगा, थर्ड वाले में आपका टेम्परेचर और चौथे वाले में वेलकम करके आपका नाम देखने को वहाँ पे मिल जाएगा, जो काफी अच्छा खासा यहाँ पे चारों विजिट मिक्स करके अच्छा खासा लुक क्रिएट कर दे रहा है। नीचे की बात करें तो यहाँ पे नीचे जैसे कि आप देख सकते हो जो म्यूजिक वाला बार है, तो अभी मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि इसी में ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन आपने स्टार्टिंग में देखा होगा वैसे ही येलो कलर का बार आपको यहाँ पे जब भी आप म्यूजिक प्ले करोगे तो देखने को मिल जाएगा। और उसके नीचे यहाँ पे येलो और व्हाइट कलर के कुछ डॉट देखने को मिल रहे होंगे, तो ये तो आप नॉर्मल सोच रहे होगे डॉट है, लेकिन ये कैंडी कॉर्न के आइकन पैक है। अगर इस पर आप टैप करते हो तो इसके अंदर भी आपको कुछ एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट या व्हाइट वाले पे गूगल पे, फोन पे, फिर इस वाले में कॉन्टैक्ट मैसेजिंग और इस वाले पे गैलरी और म्यूजिक, इसके अंदर भी आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप नीचे से स्वाइप अप करके अपने सारे एप्लीकेशन को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, जिसमें आइकन पैक लाइमलाइन वाला यूज हुआ है जो काफी मस्त था, येलो कलर के मिक्सर के साथ काफी अच्छा खासा मिक्स हो जा रहा है, जो काफी अच्छा खासा लुक क्रिएट कर दे रहा है सेटअप में। देखिए यार, वीडियो के एंडिंग का टाइम आ गया है, तो मैं फ्री वाले जिप फाइल का पासवर्ड बता देता हूँ। पासवर्ड है मिनिमल स्पाइडर, और इस पासवर्ड का यूज करके आप अपने फ्री वाले जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो आई होप ये सेटअप आपको पसंद आया होगा, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी नोवा लॉन्चर के सेटअप को सेट करना पसंद करते हैं या जो स्पाइडरमैन के काफी बड़े वाले फैन हैं, तो उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग टेक और कस्टमाइजेशन की वीडियोस के अपडेट आपको मिल सके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, सी यू सून।